स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें कितने सारे आरक्षण के पद खाली है, आरक्षित पद खाली है और धोखा किया जा रहा है मोदी सरकार का आपके लिए। एससी एसटी ओबीसी के साथ धोखा किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, पूरे आरक्षण के पद खाली है दोस्तों। जितने भी लेक्चरर है, प्रोफेसर है, सभी के पद खाली है लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं ये मोदी सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिए सारा आंकड़ा जानने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में एक द्रोणाचार्य होता है जो हमारे एकलव्य का अंगूठा काट लेता है, लेकिन आज ये सरकार भी एक द्रोणाचार्य का ही रूप अपना कर बैठी हुई है। किस प्रकार से हमारे जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनके पद नहीं भरे गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, IIM जैसे इंस्टीट्यूट में कई सारे 50-60% पद खाली है दोस्तों ओबीसी के, 50-50% पद खाली है एससी के, 60-60% पद खाली है एसटी के। क्यों नहीं भर रही है ये मोदी सरकार? क्या देश में पढ़े लिखे ओबीसी नहीं है जो लेक्चरर बने? क्या देश में पढ़े लिखे प्रोफेसर नहीं है एससी के, या फिर देश में पढ़े लिखे एसटी के प्रोफेसर नहीं है जो IIM में पढ़ाए, जो इग्नू में पढ़ाए? इन बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दोस्तों जो आरक्षण के पद है, आज तक ये भारत देश की कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस मिला लीजिए, जितनी भी सरकार रही है किसी ने भी आज तक पूरे नहीं भरे, क्योंकि जो सरकार रही है वो मनुवादी रही है, कभी बहुजनों के हक में कोई काम नहीं करने वाली है। तो दोस्तों मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने पूरा डेटा रखता हूँ कि कितनी यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली है, तो वीडियो देख लीजिएगा पूरा। दोस्तों ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ कि कहीं से उठा के भी कुछ दे दिया, ये डेटा है जो देश के सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक ने दिया है। हाँ दोस्तों, रमेश जी जो देश के सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये डेटा दिया है, यानी कि ये डेटा भारत सरकार का डेटा है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली है। मैं यहाँ पर केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, सेंट्रल की बात करूंगा, मैं राज्यों पे नहीं जाऊंगा और उसमें भी कुछ 2-3 मेन इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा भी और सामने ग्राफिक्स भी चलेंगे, आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं कि पूरे भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसमें टोटल ओबीसी के पद अभी जो खाली है जिनमें आरक्षण द्वारा भरे नहीं गए हैं 52%, यानी कि जितनी भारत की आबादी है ना उसमें 52% ओबीसी की आबादी है, इतने पद अभी भी पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली है, यानी कि अभी भी अगर देश की सरकार चाहे तो 52% ओबीसी प्रोफेसर देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बना सकती है, इतने पद खाली है। और एससी की बात करें तो 39, यानी कि ऑलमोस्ट 40% पद खाली है दोस्तों एससी के। और दोस्तों एसटी की बात करें तो 42%, यानी कि 42% एसटी के पद खाली है। ये मैं टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का डाटा, कि पूरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में उसमें ओबीसी एससी और एसटी के इतने पद खाली है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही बड़ी संस्था है, इसमें प्रवेश लेने के लिए हमें बड़ी बड़ी एग्जाम, कैट जैसी एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और बहुत, मतलब भारत का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 60%, मतलब भाई 60% ओबीसी के पद खाली है, प्रोफेसर्स के 60% पद अभी तक इस भारत में भरे नहीं गए हैं IIM के ओबीसी के। और बात करें एससी की तो सेम आंकड़ा है दोस्तों, एससी के भी 60% पद खाली है IIM में, यानी कि आज अगर हम बात करें, अगर इन 60% पदों को IIM के भर दिया जाए तो हमारे कई सारे लेक्चरर प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं जिनकी सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग सकती है, लेकिन ये पद जानबूझ के खाली रखे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर एसटी की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब का 60% नहीं 70% नहीं 80% IIM में 80% पद खाली है दोस्तों, यानी कि 20%
आईआईएम में केवल एसटी काम कर रहा है, एसटी प्रोफेसर है, आरक्षित थे, 80% अभी भी उनकी जगह खाली है दोस्तों। तो ये है मनुवादी असली चेहरा। दोस्तों आप लोगों ने इग्नू के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ज्यादा फेमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा फेमस है। आपने इग्नू का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, अगर आप एजुकेशनल सिस्टम में हो या फिर कहीं पर भी हो या आप पढ़ाई करते हो। इग्नू एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इसका अगर मैं आपको आंकड़ा बता दूंगा ना इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो आप भी चौंक जाओगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन आज भी इसमें ओबीसी के 67% यानी कि 67% पद खाली है दोस्तों। 67% आज भी ओबीसी के पद इसमें भरे नहीं गए। और एससी की बात करें तो 41% यानी कि 41% पद खाली है अभी भी एससी के, शेड्यूल कास्ट के। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 59 यानी कि 69% अभी भी पद खाली है। आप देखिए शेड्यूल ट्राइब के कई सारे, कई 80%, कई 70%, कई 59% पद खाली दोस्तों। यानी कि सबसे ज्यादा जो जागरूक वर्ग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है वो एसटी है। एसटी के सबसे ज्यादा रिक्त पद रह रहे हैं, आरक्षित पद रह रहे हैं दोस्तों किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब हम लोग बात करेंगे आईआईएससी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों इसका आंकड़ा मैं आपको बता दूंगा तो आप सिर्फ मुंह पे हाथ रख लोगे, चौंक जाओगे। सच बता रहा हूं, ओबीसी का आंकड़ा मैं बता दिया तो ओबीसी के आईआईएससी में दोस्तों 90%, हाँ भाई 90% पद खाली है। ग्राफिक्स आपके सामने चल रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, 90% पद खाली है ओबीसी के आईआईएससी में। और दोस्तों 20% खाली है एससी के। एससी यहाँ पर अच्छी मात्रा में है, 80% तक पदस्थ है लेकिन अभी भी एससी के यहाँ पर 20% पद खाली है। और एसटी की हालत वही दोस्तों बहुत खराब है, 55% पद अभी भी एसटी के, शेड्यूल कास्ट के खाली है दोस्तों। और हम पूरा इसका निचोड़ निकाले जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि टोटल अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आंकड़ा निकाल ले तो ओबीसी के 52% पद खाली है और एससी के 39% पद खाली है और एसटी के 42% पद खाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अब आप दोस्तों खुद देखिए, ये आंकड़ा मैंने अपने मन से तो बनाया नहीं है, ना ही कहीं से उठाया है। ये आंकड़ा देश के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी ने संसद में पेश किया है। क्या संसद में ये आंकड़ा पेश करते हुए शर्म नहीं आती है एजुकेशन मिनिस्टर को या देश की सरकार को? मैंने आपके सामने दोस्तों पूरा आंकड़ा रख दिया है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। क्यों नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है बहुजनों के लिए देश की सरकार ने यूनिवर्सिटीज के अंदर? क्यों हमारे जितने भी आरक्षित पद है, हम दूसरे पदों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा 50% आरक्षण है, 49.5% आरक्षण है एससी एसटी ओबीसी का मिला के, वही टोटल पद अभी तक हमारे भरे नहीं गए। तो खाक हमें 50% जो दूसरा बचा हुआ है उसमें इतना सा भी कुछ मिल पाएगा? दोस्तों ये एक मनुवादी चाल है। हम बोलते हैं ना कि द्रोणाचार्य सिस्टम, तो यही द्रोणाचार्य सिस्टम है जो हमारे एकलव्यों का अंगूठा काट लेता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको आंकड़े बताए ये आपको चौंका दिए होंगे। जब मैं ये आंकड़े देख रहा था तो मैं खुद चौंक गया था, भाई कैसे हो सकता है, कैसे कोई सरकार हमारे बहुजनों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सकती है, उनको इतना बेवकूफ बनाकर रख सकती है कि जिनके 50, 60, 70, 80% पद खाली है लेकिन भरे नहीं जा रहे। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइए। और भारत दस्तक पे आपको ऐसी न्यूज रोजाना मिलेगी, तो भारत दस्तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखते रहिए भारत दस्तक, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।